पग्स इंटरनेट के सबसे वायरल डॉग्स में से एक। इनकी ऐसी ही फनी हरकतें इन्हें सबसे अलग बनाती है और इनकी ये क्यूटनेस इन्हें सबका फेवरेट। पर कई बार ये क्यूट सी शक्ल इनके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। अगर आप एक पग ओनर है तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे इन पग्स को सेफ और हेल्दी रखा जा सकता है। पग्स का चेहरा चपटा होने के वजह से उनकी नाक काफी छोटी होती है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ज्यादा गर्मी और उमस होने से कई बार वो जोर जोर से हांफना शुरू कर देते हैं। ऐसे मौसम में उनका शरीर ओवरहीट ना हो इसके लिए उन्हें गीले टॉवल से लपेटे या फिर हर थोड़े समय में उन्हें पानी पिलाते रहे। पग्स की नाक सेंसिटिव होने के कारण उन्हें खाना पकाते समय, घर में एयर फ्रेशनर यूज करते समय, धूम्रपान करते समय अपने से दूर रखें। ओवरवेट होने से उनके जॉइंट्स और हिप्स पर काफी प्रेशर पड़ता है, इसीलिए इनके डाइट पर कंट्रोल रखना और एक्सरसाइज के लिए लेकर जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए वॉक कराते समय एक हार्नेस का इस्तेमाल करें जिससे सारा भार उनके बैक, चेस्ट और शोल्डर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इन सब के अलावा कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जिनके बारे में शायद हर कोई नहीं जानता। उनकी मुड़ी हुई पूंछ दिखने में तो क्यूट लगती है पर उससे पग्स की रीढ़ की हड्डी पर काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। आंखें बड़ी और बाहर की तरफ निकली होने के वजह से कई बार पग्स को कॉर्नियल अल्सर, ड्राई आई या फिर आई प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब आप हमारे हच को ही ले लीजिए। हच हमारे पास बहुत ही बुरी हालत में आया था। उसके ओनर्स की लापरवाही के वजह से उसकी आंखों में मैगेट्स पड़ गए थे और स्किन इन्फेक्शन की वजह से उसकी कंडीशन और सिवियर हो गई थी। यहाँ डॉक्टर्स की मौजूदगी में तो उसका ख्याल रखा जा सकता है पर शायद पग्स को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि पग्स में इतने प्रॉब्लम्स आए कैसे, और इसका जवाब है ब्रीडिंग। काफी समय से चलती आ रही इस नस्ल का इस्तेमाल चाइना और इंग्लैंड के शाही घरानों में किया जाता था। कई सालों के सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद पग्स का चेहरा तो छोटा हो गया लेकिन उनके मुंह का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही रह गया जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई। जब कुछ कंपनीज ने अपने एड्स में पग्स को फीचर करना शुरू किया तो बढ़ावा मिला उनके डिमांड को और उनके ब्रीडिंग को। तब से अब तक इन पग्स की जो तस्वीर हमें दिखाई गई उसकी कीमत शायद ये ब्रीड आज भी चुका रहे हैं। इतना सब जानने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप एक पग को अपनाना चाहते हैं तो ब्रीडर के पास ना जाकर हच के जैसे रेस्क्यूड पग्स को अडॉप्ट करें और उनकी मदद करें।